सो टुडे इज़ द थर्ड सर्विस, आज मैं थर्ड सर्विस के लिए जाऊँगा। सेकेंड सर्विस तो इतनी खास नहीं थी, अगर आपको चेक करना है यहाँ पे मैं लिंक में डाल दूँगा सेकेंड सर्विस। उनसे मुझे कॉल आया था कुछ दिनों पहले कि मैंने आपका वीडियो देखा है, आप आइए हम जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके देते हैं डायरेक्ट शोरूम में जाके। अभी तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से थर्ड सर्विस के लिए। लास्ट सर्विस तो अभी देखते हैं थर्ड सर्विस कैसी रहती है। लेट्स गो। लास्ट सर्विस इतनी कुछ खास नहीं थी, देखा जाए तो प्रॉब्लम्स थी। मैंने जैसे वीडियो में बताया था प्रॉब्लम्स तो थी। देखते हैं उनकी तरफ से, एक्चुअली मुझे कॉल आया था धोने ऑटोमोबाइल जिनसे मैंने बाइक ली थी, उनकी तरफ से मुझे कॉल आया था। एक महीना लग गया उनको कॉल करते हुए, बट उन्होंने जब वीडियो देखा तब जाके तो उन्होंने बोला आप आइए हमारे शोरूम में, और तो एंड अगर आप आओगे शोरूम में तो वी विल सॉर्ट दैट आउट व्हाट एवर द थिंग्स आर। बट मेरे पास टाइम नहीं था, मैं काफ़ी बिजी था कुछ हफ्तों से, तो मैं भी जा नहीं पाया। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला है और सर्विस का भी मुझे कॉल आया था कि आपकी सर्विस भी हो करके, मैंने सोचा दोनों काम एक ही साथ कर लेता हूँ। मैं एज अ स्पेशल आई डोंट वांट अ स्पेशल ट्रीटमेंट है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना अगर मैं सर्विस दिखा रहा हूँ और मुझे स्पेशली अगर ट्रीट कर रहे हो बोलो तो। मैं एज अ नॉर्मल पर्सन और नॉर्मल कंज्यूमर है ना, अगर जाता है थर्ड सर्विस के लिए आई वांट टू शो दैट टू यू गाइस। थर्ड सर्विस यूजुअली 6000 किलोमीटर से होता है या फिर 180 डेज का, तो मेरे 180 डेज हो गए कंप्लीट। बट मेरा 5100 किलोमीटर हुआ है, 5111 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। और जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है बाइक पे, तो बाइक में प्रॉब्लम्स तो है काफ़ी, जैसे चेन साइड ढीली हो गई है और ऑयल लीक हो रहा है इंजन में से। मैंने काफ़ी ऑयल के स्टेन्स देखे हैं इंजन पे। एक मैं कुछ एक दो हफ्ते पहले स्मेल आना स्टार्ट हो गया था, तो वो था मैंने देखा तो इंजन पे ऑयल था। बट दोस्तों ने बोला कि किसी दूसरे का बाइक का हो सकता है, मैंने बोला कैसे हो सकता है, दूसरे बाइक का कैसे होगा, इसी का है यही ऑयल लीक करती है। हाँ ऑयल तो लीक हुआ है, जाके उनका ये प्रॉब्लम बताऊंगा। एक तो ऑयल लीक हो रहा है, चेन ढीली है, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है इंजन में और पूरे बाइक में, और टैपिंग नॉइज वगैरह तो मुझे अभी ऐसे कुछ लगा नहीं। और उसके अलावा साइलेंसर का तो मेन था, लास्ट टाइम तो शॉर्ट नहीं हुआ था, देखते वो होता है कि इस बार, उन्होंने तो बोला था चेंज करके दूंगा देखते। और हाँ गाइज थैंक्स फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी। तो ये वीडियो भी 60 FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, पहले मेरे पास जरिया नहीं था टू एडिट 60 FPS। और अभी मैंने जस्ट रिसेंटली एक PC असेंबल करवाया है, कॉस्टेड मी अ लॉट बट दैट वाज ऑल फ्रॉम माई पॉकेट, किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया कुछ नहीं किया। तो मैं अभी 60 FPS पे ट्राई करूँगा, अगर मुझे अच्छा लगता है और इफ यू गाइस सजेस्ट मी दैट ये ठीक है करके मैं कंटिन्यू करूँगा 60 FPS के साथ, नहीं तो फिर देन 30 FPS इज गुड, मेरे लिए भी कन्वीनियंट है। साइज कम होती है फाइल की, अपलोड के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एडिट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं किसी भी PC पर कर सकता हूँ। डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट सेटअप टू, थोड़ा गेमिंग सेटअप जैसा कुछ भी बनाया है गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए दोनों के लिए। So let me know in the comment section below अगर you want to see my PC setup। और हाँ मेरी नेक्स्ट राइड इज देर इज अ सरप्राइज, आई डोंट थिंक इज दैट विल बी अ सरप्राइज। देखा तो मैंने एक बुलेट ग्रुप ज्वाइन किया है, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर हैज सीन मी ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू वॉन्ट टू चेक माई इंस्टाग्राम आई विल पुट अ लिंक ओवर हियर। तो उसने मुझे मैसेज किया था कि आई हैव अ बुलेट ग्रुप एंड ऑल, 10-15 लोग हैं,
बोला ठीक है, ज़्यादा बड़ा ग्रुप ही नहीं चाहिए, ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो टेंशन ज़्यादा रहता है, छोटा ग्रुप है ठीक है। तो कल संडे है, सुबह मॉर्निंग में प्लान चल रहा है पुणे से लवासा का। लवासा सिटी आपको जैसे पता हो या ना पता हो तो कल आप देख लीजिए। तो लवासा का प्लानिंग है, सुबह 6 बजे निकलना है, होपफुली सब टाइम से ही निकले। तो ये मेरा पहला राइड होगा बुलेट ग्रुप के साथ। ग्रुप का नाम है पुणे इनफील्ड स्क्वाड। रिसेंटली मैं चाह रहा था कि मैं अपना खुद का एक ग्रुप बनाऊं, है ना, देन बट मैं सोच रहा हूँ कि इट्स बेटर टू ज्वाइन सम स्मॉल ग्रुप देन उसको बड़ा करो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो बनाना, ये करना, वो करना, ऊपर से ग्रुप संभालना, तो मेरे साइड के ऊपर निकल जाएगा। इट्स बेटर कि ऑलरेडी वो मेरे लिए कोई और कर, है ना। देखते हैं फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस हमको ना कैप्चर, मैं सोचूंगा थोड़ा सिनेमैटिक कुछ भी अच्छा बनाओ। होप आई आर पॉसिबल, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कैप्चर एंड एडिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाइक सो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट कितना 5 बजे तक, तो अभी 12:30 में पहुंचा था, अभी अराउंड 1 हो रहा है। तो बोला है कि 5 बजे तक देने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज काफ़ी रश है, देखते कितना होता है। मैंने उनसे उनको ये बताया तो नहीं है कि मैं मतलब लास्ट सर्विस में प्रॉब्लम हुआ था, ये तो बताया था, बट ओनर ने मुझे कॉल किया था, मैंने ये नहीं बताया। तो देखते हैं अभी क्या होता है। एज ए नॉर्मल पर्सन कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो देखना चाहिए। तो दे तो दिया है, नेक्स्ट मैं आपको मिलूँगा जब मेरी सर्विस पूरी हो जाएगी। तो फाइनली थर्ड सर्विस हो गई है और मुझे एक्चुअली गाड़ी के लिए मैसेज काफ़ी पहले आ गया था, अराउंड 3 बजे ही गाड़ी रेडी हो गई करके, आप सर्विस डिलीवरी के लिए आ सकते हो करके, बट मैं एक्चुअली बाहर चला गया था तो मेरा टाइम हो गया आते आते। और ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है अभी तक, उन्होंने जो बोला था वो किया है, सर्विस काफ़ी अच्छी किया। और एक्चुअली समय से पहले उन्होंने मुझे गाड़ी भी दे दी, 5 बजे का टाइम दिया था बट उन्होंने 3 बजे तक मुझे मैसेज कर दिया, तो वो काफ़ी अच्छी बात थी। लास्ट सर्विस से देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, लास्ट सर्विस से एकदम भयानक थी देखा जाए तो। और अभी तक गाड़ी में तो कोई मुझे प्रॉब्लम ऐसी लग नहीं रही, लास्ट सर्विस के बाद एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि चेंज डेटी हो गई है, उन्होंने गाड़ी ढंग से धोके भी नहीं दी थी, तो ये सब इस बार एकदम चकाचक एकदम करके दिया है। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रही है और इवन पिकअप वगैरह में मुझे हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ गाड़ी में फ़र्क है, खटखट कुटकुट बचता था वो अभी नहीं है। ओवरऑल आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट, लास्ट सर्विस से बहुत ही बेटर, और मुझे पता था कि इस बार वो लोग अच्छा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि लास्ट सर्विस तो उन्होंने गड़बड़ की थी और उनसे मुझे कॉल आया था, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ उन्होंने स्टेप्स किए होंगे ऐसा ना हो किसी के साथ। और बाकी सब तो ठीक है, साइलेंसर का जो प्रॉब्लम बताया था मैंने आपको एयर लीक करते हैं, उन्होंने उसको देखा है थोड़ा बहुत, उसको आगे किया है, टाइप किया है साइलेंसर को, तो मैंने थोड़ी बहुत तो आवाज़ निकल रही है और हल्की सी आवाज़ भी है वहाँ पे, बट अगर परफॉर्मेंस में कोई लॉस नहीं है तो मुझे लगता नहीं, और ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैग पड़ रहा है, क्योंकि यूजुअली फील होता है थोड़ा सा पिकअप लो हो जाता है, थोड़ा धीरे उठती है गाड़ी, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा मुझे।
बाकी सब तो ठीक है। तो कंक्लूजन इज थर्ड सर्विस इज गुड, दे टुक अराउंड दे कॉस्ट चार्ज 1130 रुपीज विच इज क्वाइट डीसेंट देखा जाए तो। मैं सोच रहा था अराउंड 1400 या 1500 के आसपास जाएगा, बट वो काफ़ी सस्ते में हो गया। बिग थम्स अप टू जोने। और गाड़ी में ऐसे कोई मेन ऐसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी नहीं, थोड़ा सा ऑयल लीक का था, मुझे ऑयल स्टेन दिख रहे थे, वो भी उन्होंने बोला है कि हो गया है करके, शॉर्ट कर दिया है सब कुछ, टाइट कर दिया, तो देखते हैं अभी एक हफ्ते बाद ही मुझे पता चलेगा। कल राइड जाना है, कल राइड पे जाना है, तो उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में सही किया है या नहीं किया है, या फिर उसे उन्होंने सब ऑयल चेंज किया। स्मूथनेस पता चल जाती है जब आप गाड़ी में बैठते हो, तो हाँ आपको पता चलता है अगर आप ऑयल चेंज करते हो, सर्विस करते हो, तो थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती है गाड़ी, तो मुझे वैसे लग भी रही। और अबाउट द टायर, मैंने उनसे बात किया था टायर के लिए कि टायर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया करके, उन्होंने कहा आपको MRF कंपनी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ऐसे ऐसे हुआ है करके, तो ही आपका ये शॉर्ट होके मिलेगा। देखते हैं, बिब्बेवाड़ी करके एक प्लेस है पुणे में, वहाँ पे उनका सर्विस सेंटर है MRF का, तो वहाँ जाना पड़ेगा। सो गाइस, दिस वाज इट, दिस वाज माय थर्ड सर्विस। हिट लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, बी श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल। इसके साथ I'll signing off guys, if you want to see more videos like this, be sure to hit that subscribe button. If you want to follow me, you can always follow me on Instagram and Facebook, you can go and follow me over there. If you have any questions, you can ask me in the comment section, or you can directly message me over Instagram or my Facebook page. So guys, I'll see you in the next videos, and tomorrow I'm going for a ride, as I told you, in the Bullet Group. So I'll be sharing that experience in next video. So guys, see you. Take care and ride hard. Bye.